मजा ही आ गया। वाह, बहुत मजा आया। क्या क्या जश्न था आजादी का, क्या जश्न था, क्या खाना था, क्या नाच गाना था। ए अम्मी जान, अभी अभी तो हम लोग वहीं से वापस आ रहे हैं, आप इतनी जल्दी भूल भी गई कि वहाँ पे क्या क्या था। जाफरा, लोग जश्न की तारीफ यूं ही नहीं कर रहे हैं। हमने इंतजाम में कोई कमी नहीं छोड़ी। 10,000 साफ पानी के घड़े से तो हमने जश्न की जगह को धुलवाया था। क्या कहा आपने? इतना सारा पानी आपने बर्बाद कर दिया सिर्फ जगह को धुलवाने में। ओहो जहाँ पना, पानी तो था एक मामूली चीज, आप उसको छोड़िए, आप बताइए खाना कैसा था। खाना तो अच्छा था। जापना, लोग उंगलियां चाटते रह गए। कई कई लोगों ने तो दो दो बार खाना खाया, इसीलिए हमने 8,000 लोगों का खाना बनवाया था। 8,000 लोगों का क्यों है? हमने मेहमान तो सिर्फ 5,000 ही बुलाए थे। हाँ जापना, खाना तो ज्यादा ही बनवाया जाता है ताकि कम ना पड़े। अरे लेकिन इतना ज्यादा वजीर आजम, बाकी का सारा खाना तो बर्बाद ही हो गया ना। अरे बर्बाद होता तो होने दीजिए, लेकिन अगर एक आदमी का भी खाना कम पड़ जाता ना, तो हिंदुस्तान के बादशाह की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। रानी साहिबा, एक इंसान की भूख के आगे हिंदुस्तान के बादशाह की इज्जत बहुत छोटी है। जितना खाना बर्बाद हुआ है उसमें ना जाने कितने भूखे लोगों का पेट भर जाता। लेकिन जहां पना, अनाज के गोदाम भरे पड़े हैं। 150 अनाज की बोरियां बर्बाद हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है वजीर आजम, फर्क पड़ता है। अनाज और पानी इंसान की बुनियादी जरूरतें हैं। जिस देश को इन चीजों की इज्जत नहीं है वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ओहो जापना, क्या कर रहे हैं? इतना अच्छा आजादी का जश्न मना क्या है? सलीम समझाओ ना अपने अब्बू को। हाँ अम्मी जान, पहले आप हमें समझाइए कि हम आजादी का जश्न क्यों मनाते हैं। ओहो, अपने जहां पना इतने सालों से आजाद है तो अपनी आजादी का जश्न मना रहे हैं। लेकिन ये आजादी है क्या, हम क्यों मनाते हैं, क्या है ये आजादी? अपने मन से अपनी जिंदगी जीने की आजादी, अपने मन का काम चुनने की आजादी, अपने मन से अपना घर बनाने की आजादी, अपने मन का मजहब चुनने की आजादी, कहीं भी आने जाने, खाने पीने उठने बैठने की आजादी, हर चीज की आजादी। जाफर, आप तो सम्राट हैं, शहंशाह हैं, लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने आजादी के लिए जंग तक लड़ी, लेकिन जाफना, उन्हें जंगी आजादी से मिला क्या? ये बंजर खेत, बाढ़ वाली नदियां, गरीबी, बीमारियां। हम तो कहते हैं कि गरीबी की आजादी से कहीं कहीं ज्यादा अच्छी है आराम की गुलामी। संदीप, आप ये क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि एक पिंजरे में रहना आपको मंजूर है? अरे पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, लेकिन पिंजरा पिंजरा ही होता है बलदेव। नहीं जापना, भाई साहब ठीक कह रहे, ऐसी आजादी का क्या मतलब जहाँ अच्छे कपड़े ना हो, अच्छा अच्छा खाना ना हो, मखमल के बिस्तर ना हो, और घूमने फिरने के लिए हाथी और घोड़े ना हो। बड़े अफसोस की बात है कि आप लोगों को उन्हीं चीजों की कद्र नहीं है जो जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरतें हैं। ये सही नहीं। अन्न, जल और आजादी की कीमत इन सब को समझानी होगी। जापना, इतने सुबह सवेरे कैसे याद किया? बीरबल, हमें बताइए कि आपकी नजरों में अन्न, जल और आजादी का क्या मोल है? कोई मोल नहीं। क्या? जापना, ये सारी चीजें अनमोल है। अन्न का एक एक दाना, पानी की एक एक बूंद बेशकीमती है, और आजादी, आजादी के बगैर तो इंसान जैसे जिंदा लाश बन के रह जाता। सही कहा आपने, लेकिन हमें बताइए कि अगर किसी रियासत की रानी और उसी रियासत के वजीर आजम और उसी रियासत के शहजादे अगर इनकी कीमत को ना समझें तो क्या होगा?
रानी और वजीर जो नुकसान पहुंचाएंगे वो पहुंचाएंगे, लेकिन अगर किसी शहजादे को आजादी की कीमत ना पता हो तो बहुत नुकसानदायक, वो उल्लू का पट्टा तो सब कुछ बर्बाद करके रह जाए। तो हम आपको जरा बता दें कि वो उल्लू हम हैं और वो उल्लू के पट्टे सलीम हैं। माफ कीजिएगा जापाना, हमें लगा कि आप किसी और की बात कर रहे हैं, हम चलते। नहीं 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 नहीं, 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 माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है बीरबल, आप हमें कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे हम इन सब को अन्न जल और आजादी की कीमत समझा सकें। जापाना इसके लिए हमें एक बहुत बड़ा नाटक करना पड़ेगा। अरे तो हमें बताइए, हम तो पूरे नाटक किए हैं, मतलब नाटक अच्छा कर लेते हैं हम, बताइए आप तरीका बताइए। जापाना आप कभी यूनान गए? नहीं। तो नहीं गए तो क्या हुआ, यूनान से लौट तो सकते हैं। अरे सुनो सुनो, यूनानी सेना ने हम पे हमला कर दिया है, भागो। रानी साहिबा, रानी साहिबा। हाँ। गजब हो गया, यूनान के राजा ने बादशाह सलामत और महाराज बीरबल को धोखे से बंदी बना लिया। क्या? और अपनी सेना के साथ राजमहल पर कब्जा करने आ रहा है। तुम एक काम करो, महल के सारे लोगों को इकट्ठा करो, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, लेकिन अपने महल को दुश्मनों के हवाले नहीं करेंगे। जाओ जाओ ना। सुनिए सब लोग, आप लोगों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमने ये लोहे की सलाखें बनवा दी है, आप हमारी छत्र छाया में हैं, कोई भी आप लोगों को छू भी नहीं सकता। इनके अबू आप ठीक है? वैगन या कबार से हम रहते हैं, या कबार हो इसके बाद रिले अबू के तरह बहुत कल आ रहा है, क्या है तो क्या बुम्बार इसे खुआ से वेक से वाट से मामा से कोई बुम्बार के इसके वर्ल्ड से। अम्मी जानी, अब बाउजूर को यूनानियों ने क्या कर दिया, ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? वाक 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 बुम्बा, ये आपको बुम्बा बुम्बा क्यों बोल रहे हैं? मुझे पता है, वाक 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 इश्वर वाक जस्टिन बे वाक वाक इश्वर वाक, ऐसी भाषा में बात कर रहे हैं? जैक वाले लड़ाई जाने के बाद खामोश खरगोश। छोड़िए, यू आवाजें निकालना छोड़िए और हिंदी में बात करिए। जहां पर वो अगर तुम चाहती तो लो हम हिंदी में बात करती। सैनिकों पकड़ लो इन लोगों को, जाओ सब के। वो सिर्फ दो सैनिक क्यों आती, हमारा बाकी का सैनिक किधर होती, हमारा सेना प्रमुख किधर होते? सम्राट, सारे सैनिकों ने महल को चारों ओर से घेर लिया है और सेना प्रमुख हमले की तैयारी में लगे हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ तो इतने सैनिक हुआ करते थे कि जंग के पहले ही हम लोग जंग जीत जाते थे। सलीम के अब्बू वही हम तुमको कितना बार बोलती, हम सलीम का अब्बू नहीं होती, लेकिन तुमको ये गलत फहमी क्यों होती हम जानते, क्योंकि हम अकबर का जैसा दिखती, लेकिन हम अकबर नहीं होती, हम अकबर का जुड़वा भाई होती। हम कुंभ का मेला में बिछड़ जाती, हमारा जो सेना प्रमुख होती वो बीरबल का जुड़वा भाई होती, वो भी कुंभ का मेला में बिछड़ जाती। बीरबल ने तो हमें कुछ नहीं बताया, आपको क्यों बताएंगे, सब कुछ बताएंगे।
छोड़िए। हम अकबर को कितना बार बोलती कि हमको हमारा हिस्सा देती, लेकिन अकबर नहीं मानती। इसलिए आज हम अकबर पे हमला करती और उसको अपना बंदी बनाकर ले जाते। हमें यकीन नहीं हो रहा है। तुमको यकीन कराने के लिए हम तुमको दिखाते। अकबर बीरबल को अभी तुम्हारे आंखों के सामने लेकर आती। सैनिकों, अकबर बीरबल को इधर लेकर आती। सैनिकों, इनका नकाब खोलती। अरे, इस सलीम के अब्बू के चेहरे पे इतने सारे बाल कहां से आ गए? रानी साहब, अब जापाना के चेहरे पे बाल नहीं है। इस यूनानी सम्राट ने इनकी गर्दन मरोड़ दी है ना जापाना? हाँ बोल रहे। सैनिक इन दोनों को लेकर जाती और हमारे नए कैद खाने में डाल देती। हम कुछ करते हैं? ये जाबर अपना सलामती चाहती तो अपना ये बड़ा सा महल हमको दे देते। खबरदार, हमारे चीते जी आप इस महल में नहीं घुस पाएंगे। अभी तो हम सिर्फ अकबर का गर्दन मरोड़ते, लेकिन अगर तुम हमको ये महल नहीं देती, हम उसका सर कलाम कर देते। आपकी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? हम आपकी गर्दन ही मरोड़ देंगे। अरे, ये तो रानी साहिबा ने लोहे की सलाखें तक मोड़ दी। अब तो इनपे शेरनी सवार हो गई है। अब इन्हें बीरबल ही संभाल सकते हैं। तुम लोगों के लिए हमारा सेना प्रमुख ही बात होती। हम जाती और उसको भेजते। चलो। हम यूनान का सेना प्रमुख होती, आप लोगों को हम एक पहर का वक्त देती। एक पहर के अंदर अंदर ये महल अगर हमारे हवाले नहीं करती तो हम आपको खाने का एक भी दाना और पानी की एक भी बूंद नहीं देती। हम ये महल आपको नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। ठीक, हम भी देखती कि खाने और पानी के बगैर तुम कितने दिन तक जिंदा रहती। विदेशियों, चाहे जितना कर लो तुम हम पर सितम, हिंदुस्तानी हम तूफानों से नहीं बिखरते। हम हमने इस महल को चारों तरफ से घेर रखी है। हम अपना महल दुश्मनों के हाथों कभी नहीं देंगे। ऐसी बातें कर रही हैं आप अम्मी जान? महल इतना बड़ा होता है, हाथ इतने छोटे होते हैं। इतना बड़ा महल इतने छोटे हाथों में कैसे जाएगा? मुझे पता है। वो भी क्या पता है? यही कि महल इतना बड़ा है, हाथ इतने छोटे हैं। इतना बड़ा महल इतने छोटे हाथों में कैसे आ सकता है? सलीम भाई साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए। चुप कर बेवकूफ। बहना, मुकाबले के लिए महल में जितने भी हथियार थे हमने इकट्ठा कर लिए हैं।
भूखे पेट जीत नहीं सकते कोई भी जंग। लड़ाई के लिए हथियार के साथ साथ खाना भी है एक अहम अंग। भाई साहब, तानसेन जी ठीक कह रहे, महल का सारा खाना पीना इकट्ठा कीजिए। जी बहना। छोड़िए। ये क्या गुस्सा किया है? तुम जानती नहीं हम कौन हैं? हम जानना भी नहीं चाहते कि आप कौन हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि फिलहाल ये पानी हमारी जिंदगी है। हमारे पास इतना कम पानी है, अगर आप इस तरह बर्बाद करेंगे ना तो 10 दिन के बजाय हम 2 दिन में बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। रानी साहिबा, सिर्फ 1 हफ्ते का ही अनाज बचा है। एक काम करो, आज के बाद सिर्फ 1 वक्त का खाना बनेगा और सबको बोल देना सिर्फ 1 वक्त का खाना मिलेगा और वो भी आधा। पता नहीं जहाँ पना कहाँ होंगे, कैसे होंगे, कुछ खाया पिया होगा भी के नहीं। छोड़िए रानी साहिबा। क्या छोड़े? जहाँ पना और बीरबल जी ठीक ही होंगे, उनकी चिंता छोड़िए, वहां तो उनके वो दोनों जुड़वा भाई हैं ना। हमारे बारे में सोचिए, अन्न का एक दाना नहीं बचा है रानी साहिबा। रानी साहिबा, अगर आपने आजादी के जश्न वाले दिन अनाज बर्बाद न किया होता तो आज यहाँ काम आया होता। रानी साहिबा, इतना ही पानी बच गया है, इसे अब कहीं छुपा दीजिए। बाहर इसके लिए बहुत झगड़े हो रहे हैं रानी साहिबा। छुपा दीजिए, छुपा भाई साहब। उस दिन आपने 10,000 गड़े पानी से जमीन धुलवाई थी ना, आज हमारे पास 10 बूंद पानी नहीं है पीने के लिए। बहना, हमें मालूम नहीं था कि पानी इतना कीमती होता है। आजा, आजा मेरे भाई, आराम से। अरे बासु बेटा, उठो उठो बेटा। बासु, क्या हुआ बासु? क्या हुआ बासु? बासु बेटा, बासु। बेटा तू ठीक है ना? तू ठीक है ना बेटा? बहना बहना, अब जो है भूख प्यास हम लोग से बर्दाश्त नहीं होती, अब हमें आत्मसमर्पण करना ही होगा। हमारी गलती है भाई साहब, हमें पता नहीं था अन्न और पानी इतने कीमती होते। आज हम अपनी गलती की सजा भुगत रहे, हमें तो हार माननी पड़ेगी। जाके उस राजा को बोल दो आत्मसमर्पण। रानी साहिबा, हमारा मतलब होती बादशाह अकबर की रानी साहिबा और हमारी बुम्बा। तो बताइए, क्या आप लोग ये महल हमारे हवाले करने को तैयार होती? जी हम तैयार हैं। क्या हुआ, तुम सब हमारे सम्राट से डर गई? नहीं, हम डरे नहीं, हिंदुस्तानी है, किसी के भी सामने आत्मसमर्पण नहीं करते। हम तो बस अन्न और जल के सामने आत्मसमर्पण कर रहे, जिसकी जिसकी कभी हमने कदर ही नहीं की। आज उस गलती की सजा भुगत रहे हम लोग। अन्न और जल अन्न और जल की क्या कीमत होती, ये तो बाजार में टके टके में मिलती। हमें ऐसा ही लगता था,
लेकिन अन्न और जल इंसान की बुनियादी जरूरत है। जिस देश के लोग इसकी कद्र नहीं करते वो देश कभी आबाद नहीं हो सकता। ठीक है, अगर तुम सब आत्मसमर्पण करने को तैयार होती तो हम तुमको खाने के लिए लजीज खाना देती, पीने के लिए पानी की जगह शरबत देती, सोने के लिए नरम नरम बिस्तर देती और सैर करने के लिए हाथी देती, घोड़ा देती, सब देती, लेकिन तुम सबको आजादी नहीं देती। आज के बाद तुम सब हमारी गुलाम होती। क्या तुमको मंजूर होती? मंजूर है, मंजूर है। गुलामी मंजूर होती, मंजूर होती,